हाय फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई और MD इस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का गार्डन है, उसमें ये चंपा का प्लांट है। उसमें बहुत ही सुंदर अभी भी फूल खिल रहे हैं। देखिए, बारिश के बाद फूल बढ़ गए हैं, कितने सारे फूल खिल के आए हैं। तो आज के वीडियो में मैं विंका के बारे में बताने वाली हूँ। सदाबहार उसको बोलते हैं, तो मैंने ग्रो किया है, तो उसकी केयर किस तरह से हम करते हैं, यही सभी बातें हैं आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए, ये है मेरे विंका का प्लांट, सदाबहार भी इसको बोलते हैं। देखिए कितने सुंदर फूल खिल के आए हैं। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, हाइब्रिड वेराइटी भी आती है, पर ये देसी वाली वेराइटी है मेरे पास। तो ये देखिए, गर्मियों का प्लांट है, गर्मियों में बहुत अच्छे फूल आते हैं। और सनलाइट की बात करें तो फूल सनलाइट में ग्रो होने वाला प्लांट है। तो फूल सनलाइट से लेकर सेमी सनलाइट में ग्रो होने वाला प्लांट है ये। तो उसमें बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। देखिए बहुत सारे फूल आए हैं। तो अभी तो मैंने कुछ भी खाद नहीं दिया है इसको, पर बारिश का पानी अड़ते ही इसमें फूल आने लगे। देखिए, तो ये देसी वाली वेराइटी है, इसमें हाइब्रिड वाली भी वेराइटी आती है। और मिट्टी की बात करें तो वेल ड्रेन सोइल चाहिए, पानी देने के बाद 1 मिनट में पानी निकल जाना चाहिए, ऐसी मिट्टी बनानी है। चिकनी मिट्टी नहीं बनानी है, सैंडी सोइल बनानी है हमें। और खाद की बात करिए तो बहुत ही कम खाद हमें देना चाहिए इसे। मैं तो कभी कभार ही खाद देती हूँ इसको, अपने आप ही ग्रो होता रहता है ये, बस कटिंग थोड़ी सी कर देती हूँ। मैंने बारिश से पहले इसको थोड़ा सा कट किया था, उसी वजह से इसमें फूल आए हैं। और बारिश का पानी इसमें आया, गिरा है, उसी वजह से इसमें बहुत अच्छे से फूल खिल के आए हैं। देखिए सुंदर दिख रहा है। और ये सबसे हार्डी प्लांट भी बोल सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी डंडी भी आपने लगाई है तो उससे भी ग्रो हो जाता है ये, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। अगर आपके गार्डन में इसको लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसकी बहुत ही कम केयर हमें करनी पड़ती है। कम केयर में चलने वाला प्लांट है, कम खाद, कम पानी भी बहुत ज़्यादा इसको नहीं चाहिए। मिट्टी सूखने के बाद ही हमें इसको पानी देना है। थोड़ी सी गीली मिट्टी दिखाई दे तो बिल्कुल भी पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी दोगे तो इसकी रूट्स गलने लगेगी। इसलिए बहुत ही कम पानी चाहिए, कम फर्टिलाइज़र और कम केयर में चलने वाला प्लांट है। अगर आपके पास ज़मीन है और क्यारी है तो इसको ज़रूर लगा दे। और एक और बात की, देखिए इसी ये फूल खिलते हैं, उसमें से ऐसी उसके बीज होते हैं, सींग जैसा होता है, उसमें से ही ये फूट फूट कर बीज गिरते रहते हैं और होते रहते हैं ये। तो अपने आप ही बढ़ता रहता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। तो बस यही सभी बातें आप सभी को बतानी थी और यही जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो का एंड, ये बड़ा सा एरिका पाम है, उसी से कर रही हूँ। देखिए कितना बड़ा ग्रो हुआ है और बहुत ही बड़े बड़े पत्ते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि सभी मेरे नए नए वीडियोस की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ, उसकी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।